प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजाब से छीन लेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज़्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पे तक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। उन्होंने कहा, जब मैं विकसित भारत कहता हूँ तो कांग्रेस वालों का और दुनिया की कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे भारत में कांग्रेस और ईडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस देश को तबाह करने में लगी रही। देश में आतंकवाद किसके कारण फैला, देश में नक्सलवाद किसके कारण बढ़ा। कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता रहा। आज भाजपा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ बने रहे एशियन एजेंडा के साथ। धन्यवाद।